मरियम है और मैं इंडोनेशिया में रही थी। यहाँ पे जो और पाकिस्तानी रहते हैं वो मेरे भाई के दोस्त हैं, सो उन्होंने आज पार्टी करनी थी तो उन्होंने हमें बोला आप लोग हमारे लिए समोसे बनाए। तो फिर हम क्या करते भाई, हमने समोसे बना के थे लेकिन जो स्टफिंग जो सब कुछ था जो खर्चा था वो हमने किए भाई। वो लोग इतने कंजूस है वो हमें खर्चे पैसे ही नहीं देते, लेकिन भाई के दोस्त हैं हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर हमने बना के दे दिए, बहुत ज़्यादा सारे बना के दिए और इतने मज़े के थे। और ये आज तक हमने जितने समोसे भी ट्राई किए ना भाई, ये सबसे बेस्ट वाले थे। इतने मज़े की इसमें जायका सब कुछ, मेरे बहन ने इसमें बहुत खर्चा किया, लाइक बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली थी। फिर मैं और मेरी बहन ने दोनों ने मिलके बनाया और फिर मेरी बहन फ्राई कर रही थी। यहाँ पर 6 बजे तक अजान हो जाती है और तकरीबन वो 5:20-30 बज रहे थे और हम सिर्फ समोसे ही बना रहे थे, हमने अपने लिए कुछ भी तैयार नहीं किया था। फिर हमने जल्दी से चिप्स फ्राई किए और ये रही फ्रूट चाट और इतने थोड़े समोसे रह गए थे और सारे हम उनके लिए फ्राई किए। हमने तकरीबन 24 समोसे बनाए थे और मेरे भाई के दोस्त में से एक मैरिड है, सो उसके भी यहाँ पे कुछ बेटियाँ हैं 2-3, सो वो आई थी, उनके लिए इन्होंने ये बेच दिया था, ये फिश था एक, और उन्होंने खाया नहीं बिकॉज ठंडा था। और फिर हमने उनके लिए समोसे फ्राई किए, सब कुछ चाट वगैरह सब कुछ रेडी किया, इतने मज़े का था सब कुछ। और यहाँ पर वो लोग देख रहे हैं डकी बाई का व्लॉग। और फिर मैंने अपने लिए मज़ेदार सी चाट बनाई बिकॉज हम इनका वेट कर रहे थे। तो फिर हमने सिर्फ खजूर से ही रोज़ा अफ्तार किया और फिर उसके बाद उनके साथ मिलकर खाया। मेरी बहन ने खिचड़ी भी इतने में गर्म कर दी थी, बस उन्होंने सिर्फ एक एक समोसा खाया और सारे समोसे ख़त्म हो गए थे फिर। और फिर हमने सबने खा लिया, उसके बाद हम सब बैठ गए थे बातें करने। और इसमें से एक लड़की को ना चावल भी पसंद थे, वो भी कच्चे, वो कह रही अफ्तारी होगी अब मुझे कच्चे चावल खाने, वो उसने इतने ज़्यादा खा लिए थे। उसके बाद फिर वो लोग जब चले गए तो फिर मैंने अपने खिचड़ी गर्म की और साथ में शरबत भी था, मैं सिर्फ खिचड़ी दही और जूस पी रही थी। तो इतने में मुझे याद आया कि भाई ये तो चाट भी है, फिर मैंने चाट के साथ खाया, उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई। वैसे आज शहरी में मैंने सिर्फ ये चिकन पीस खाया और पराठा चाय और साथ में केचप, भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया।